सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस 13 के विनर जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, इनकी मौत की वजह अब तक सामने नहीं आई है, तो इसलिए मैंने एस्ट्रोलॉजी की मदद से इनकी मौत की वजह जानने की कोशिश की है, पर ये मैं 100% श्योर होकर नहीं कह रहा। इनकी मौत कैसे हुई है तो अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने से ही पता चलेगी, लेकिन अभी के लिए इसकी कुंडली को मैंने रीड किया है और जो रिजल्ट्स मुझे मिला वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इनकी कुंडली में सैटर्न, जुपिटर, मर्क्यूरी, मार्स और वीनस ये सब योग कारक हैं, और जो हमारा सन और मून और राहु केतु है ये मारक है, और राहु जो है वो 9 नंबर की राशि यानी कि सैजिटेरियस में है, और 12 घर के नंबर से वो 4 नंबर के घर को और 6 नंबर के घर को और 8 नंबर के घर को देख रही है, और मून जो है वो 7 नंबर के घर में बैठकर वो पहले नंबर के घर पे अपनी दृष्टि डाल रही है, क्योंकि इनका मून जो है वो मारक है, यानी कि मारक होने पर जो हमारा जो योग कारक ग्रह होता है वो हमें अच्छे रिजल्ट देता है और जो मारक ग्रह होता है वो हमें ख़राब रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर मून इनको ख़राब रिजल्ट दे रहे हैं जिस कारण से, तो अगर हम राहु को देख कर अगर हम रीड करते हैं तो इससे पता चलता है कि इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम और हेल्थ इशू और रिलेशंस को लेकर इनके लाइफ में कुछ परेशानियाँ चल रही थी। तो मून जो है वो 7th हाउस में बैठकर 1st हाउस पे दृष्टि डाल रही है, तो इससे पता चलता है कि उसे किसी चीज़ का टेंशन था और उसे कुछ ज़्यादा ही वो सोच रहे थे, जिस कारण से उनकी बीपी लो हुई और सांस लेने में भी प्रॉब्लम आई होंगी और बॉडी वीकनेस आने के कारण उनकी डेथ हो गई।